As this is India Kitchen Congress, the subject might be, on the overall space planning, but हम उसको सबसे precious space, सबसे ज़्यादा interactive, सबसे ज़्यादा घर में जो यूज़ होने वाला space है, जहाँ पर family एक दूसरे के साथ interact कर सकती है, उसके लिए focus रखते हैं, and that is about the kitchen. This is just an representative image. ये हमने डिज़ाइन किया था किचन हमारी प्रीवियस एग्जीबिशन में जब हमने शोकेस किया था उसके लिए. So kitchen like as you see nowadays trend is changing. पहले किचन एकदम प्रैक्टिकल यूज़ के लिए यूज़ होता था. खाना बनाना है, फैमिली को सर्व करना है. That is what all about the kitchen is. Time के साथ ट्रेंड चेंज हुआ और किचन इज़ नाउ मोर ऑफ इट्स अ प्लेस वेयर वी सोशली गैदर. फैमिली का जो इम्पोर्टेंट मेंबर किचन में काम कर रहा है उसको भी ऐसा लेफ्ट आउट नहीं फील हो, उसके लिए किचन का डिज़ाइन भी टाइम के साथ कलरफुल, ज़्यादा फंक्शनल, एर्गोनॉमिकली करेक्ट. बिकॉज जब आप किचन में काम कर रहे हैं या आपको अगर कोई एक्सपीरियंस है तो 2-3 आवर्स कहाँ निकल जाते हैं एक ही तरह का काम करने में पता भी नहीं चलता. एनी फॉर्म और एनी एरर इन द प्लानिंग और द डिमेंशंस विल लीड टू लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स फॉर द यूज़र. चाहे वो आपका वर्किंग एंगल हो, चाहे आपका एक प्लेस से दूसरे प्लेस के बीच में मूवमेंट हो, वो अगर थोड़ा सा भी प्लान रॉन्ग हो गया तो स्लोली इट स्टार्ट इम्पैक्टिंग the user of the kitchen. And then nowadays everybody want their kitchen to be a product in the home which can be showcased. यानी कि अब थोड़ा सा किचन मतलब थोड़ा सा मैटर ऑफ प्राइड भी हो गया. मतलब लोग किचन ऐसा बनाते हैं कि जब आते हैं तो उन्हें कोई भी घर के बाहर मेम्बर्स या कोई गेस्ट आते हैं तो जैसा पूरा घर दिखाया जाता है वैसे किचन भी दिखाया जाता है. किचन को इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है. दिस इज़ वॉट nowadays started. So ऐसे में अगर ये इतना important place है अगर family घर के लिए तो हमें उसे rightly plan कैसे करें उसके लिए कुछ tips discuss करेंगे हम यहाँ आज. और उसके लिए मैंने अपनी तरफ से कुछ ऐसा नहीं है कि planning के अंदर 6Ps, 5Ps बहुत सारे Ps already available हैं, but I am showing perspective which is I feel very, very suitable for those people who want to plan a kitchen or who want to make this kitchen as a space very useful and very good in utilization. तो मैंने कुछ kitchen planning के कुछ tips एक sequence में, एक sequence है ये जिस sequence को आपको follow करना होता है जब आप kitchen को design करते हैं, और मैंने उनको एक sequence में यहाँ पर रखा है. That is what I am going to show. And this is a collective experience of what I am serving to this industry from last 20 years. So I learn a lot from the people, I learn a lot from the companies I work from, I learn a lot from my personal experience, my family, friends, everybody. But then when I publish these things, I also consult to many of the experts in the industry. And then I came up with the formula or whatever today I am presenting to you. ये as I am telling you that the steps which I am sharing here they are sequential. मतलब पहले ये होगा, दूसरा बाद में second होगा, third होगा. तो हमें इस तरह से इसको learn या इस तरह से इसको समझने की कोशिश करनी है. और जब हम यहाँ से आज यहाँ से वापस बाहर निकलें तो हमें इन 6Ps के बारे में अच्छे से समझ में आए कि किचन को डिज़ाइन करने के लिए कैसे एक राइट पर्पज़, जो हम प्लेस ले रहे हैं उस प्लेस का राइट अंडरस्टैंडिंग, उस प्लेस में जो ऑब्जेक्ट्स हम रख रहे हैं उनका राइट प्लेसमेंट, जिन लोगों के लिए किचन बना रहे हैं उन पीपल्स या उन लोगों के बारे में राइट अंडरस्टैंडिंग, उन लोगों की प्रैक्टिसेस वो कैसे काम कर रहे हैं या कैसे कई अपनी लाइफ में या उन फैमिली के ट्रेडिशंस में किस तरह से उनकी प्रैक्टिसेस फॉलो होती हैं उनको ध्यान रख करके. और फाइनली जिस प्रोडक्ट को जब हम पर्सनलाइज करेंगे तब कहीं जाके जो किचन बनेगा वो एक बेस्ट सॉल्यूशन हो सकता है। सो ये है टेक अवे आज का कि जब आप यहाँ से बाहर जाएं तो आप ये 6P's के बारे में ध्यान रखें कि जब भी कहीं अगली बार आपको इतना इम्पॉर्टेंट प्लेस डिज़ाइन करने का मौका मिले या कोई इनपुट या फीडबैक देने का मौका मिले तो आप उन्हें इन सब नज़रिए से देखें या इन सब एंगल्स से एक बार उन्हें देखें और देन फाइनली यू नो conclude कि yeah, this can be a right design, and this is with the experience I am telling you, this is going to be one of the very good formula to get a very good design and satisfied customer. I am not claiming that this is only the way, but this can be one very proven way to end up with a very good space planning of that specific area we are talking, which is a kitchen. उधर के सेशन में भी अभी हमने एक अंडरलाइन स्टेटमेंट पढ़ा था कि किचन इज़ द हार्ट ऑफ द होम, दैट्स ट्रू. सो लेट्स मूव ऑन, सीक्वेंसली इसको स्टार्ट करेंगे हम, ये सारे वन बाय वन करके लेट्स ट्राई टू फिल द गैप. तो जब आप इस स्पेस को जब आप डिज़ाइन करते हैं तो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट वन शुड नो इज़ दैट पर्पज़ क्या है. यू आर डिज़ाइनिंग जस्ट अ स्पेस बिकॉज यू नो द डिज़ाइनिंग, यू आर डिज़ाइनिंग अ स्पेस जस्ट बिकॉज दिस इज़ योर जॉब और यू नीड टू डिलीवर इट टू समबडी, यू आर डिज़ाइनिंग समथिंग बिकॉज समबडी टोल्ड यू टू डिज़ाइन दिस. अदरवाइज वॉट इज़ द रीज़न कि आप एक किचन के स्पेस को डिज़ाइन कर रहे हैं. लेकिन फॉर द कस्टमर दिस इज़ नॉट ट्रू. अगर आपने कस्टमर का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझा, यानी कि कस्टमर यानी कि यूज़र यानी कि जिसके लिए आप एज ए प्रोफेशनल आप डिज़ाइन कर रहे हैं या आप कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, अगर आपने उसका पर्पस ऑफ मेकिंग दिस पर्टिकुलर किचन अगर नहीं समझा तो शायद आपका पिच लेवल पे ही आपका सबसे पहला पिच ही रॉन्ग हो जाएगा. यानी कि आप प्रपोजल ही कुछ देंगे और शायद वहीं से आपका रिजेक्शन आ जाएगा, क्योंकि देयर इज़ अ हाई चांसेस कि आप अकेले नहीं हैं जो ये प्रपोजल दे रहे हैं. आज मार्केट में अवेलेबिलिटी ऑफ द मोर कॉम्पिटिटर, आपका कस्टमर अवेयर है, कम से कम स्ट्रीट वाइज तो है आपका कस्टमर अवेयर, बहुत ज़्यादा नहीं है. मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि कस्टमर को सब पता होता है, बट कस्टमर को ऐसा लगता है कि उसको सब पता है. ऐसे में वो मल्टीपल वेंडर्स के साथ कॉन्टैक्ट में रहता है और अगर आपने आपका सबसे पहला स्टेप ही गलत ले लिया तो शायद आपके हाथ से ये डील आएगी नहीं, आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे. तो बाकी सब पे की तो बात ही अलग रह जाएगी. सो सबसे पहले जो समझना होता है वो समझना होता है कि ये पर्टिकुलर किचन का या पर्टिकुलर स्पेस का पर्पस क्या है, और ये जानना बहुत ज़रूरी है. जैसे एक लेआउट आ गया और जल्दीबाजी में किचन बनाना है, बनाना स्टार्ट कर दिया. एक फंडामेंटल क्वेश्चन पूछने का प्रोसेस है कि भाई हम पहले पूछते हैं कि यूज़र की कि क्या रिक्वायरमेंट है. अगर वो सारी क्वेरीज़ अगर आपने राइटली नहीं पूछी है तो मैं केवल एक यूज़ केस लिखा है मैंने, इट इज़ ऑलवेज नॉट रेंट एंड पर्सनल, बट इट कैन बी पॉसिबल दैट इफ़ यू डोंट नो एंड यू स्टार्ट पुटिंग योर ब्रेन और यू स्टार्ट पुटिंग योर हार्ड वर्क टू डिज़ाइन समथिंग विच बेसिकली इज़ नॉट यूजफुल फॉर दैट पर्टिकुलर क्लाइंट. सो व्हेन आई से पर्पज़, द पर्पज़ इज़ मे बी दैट अ प्लान विच यू जस्ट रिसीव्ड मे बी समबडीज़ प्राइमरी होम जो आज तक रेंट पे रह रहा था और ज़िंदगी में पहली बार मकान बना रहा है और उस मकान में पहली बार किचन बना रहा है. आप समझिए उसका पैशन उस किचन को लेकर के कितना ज़्यादा होगा. कंपैरेटिवली अगर ये नहीं पता है कि वही लेआउट है लेकिन ये किसी पर्सन का सेकंड होम है जो उसने कहीं विला बना के रखना है और वीक में एक बार कहीं जाना है, 15 दिन में जाना है एक बार, और फिर आपने वहाँ पर पुश कर दिया क्योंकि आपको लगा कि वाह बड़ा स्पेस है, बड़ा बंगला दिख रहा है, अच्छा सा किचन इसमें एक डिज़ाइन करके डाल देते हैं, एंड देन आपने इमीडिएटली बिना पर्पस जाने उसका डिज़ाइन कर लिया और पता चला कि दिस इज़ जस्ट अ वीकेंड होम. 4 कैबिनेट बेस के लगे होते, कुकिंग और क्लीनिंग का होता, तो पर्पस सॉल्व था. हमें पर्पस नहीं पता था और हमने पुश कर दिया और आपका कस्टमर का पहला पॉइंट ऑफ इंट्रैक्शन शायद लॉस्ट हो जाएगा क्योंकि या तो उसने आपको नहीं बताया या आपने उससे नहीं पूछा. तो ऐसा हमेशा नहीं होता है, सब लोग इतना एकदम रैंडमली डिज़ाइन करना स्टार्ट नहीं करते हैं. आई नो कि जैसे जैसे हम मॉड्यूलर इंडस्ट्री में ज़्यादा ज़्यादा प्रोसेसेस को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, स्ट्रक्चर्ड होते हैं, हर एक लोगों के पास अपने एक फॉर्म होते हैं, इंक्वायरी फॉर्मेट्स होते हैं, उनमें वो कस्टमर से क्वेश्चंस पूछते हैं और फिर काम स्टार्ट करते हैं। वही बात मैं भी कर रहा हूँ, मतलब करिए, अगर आप नहीं कर रहे हैं तो करिए, अगर आपने ऐसा प्रोसेस नहीं सेटअप किया तो करिए। सबसे पहले पूछिए कि किचन का पर्पज़ क्या है, लेआउट तो बहुत अच्छा दिख रहा है बट हाउ इट इज़ गोइंग टू बी यूज्ड, इज़ इट योर प्राइमरी किचन, इज़ इट योर सेकेंडरी किचन। ये घर ही आपका नहीं है, होने वाला है कल को, क्या पता आपने ये इसलिए लिया कि इट वॉज अ गुड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी और अब आप तो रह रहे हैं कहीं अच्छे से और आप इसे केवल रेंट पे देना चाहेंगे। तो अगर किसी को अपना एक मकान लेकर के रेंट के लिए प्रिपेयर करके अगर आगे सबमिट करना है उसको, तो वैसा किचन बिल्कुल नहीं बनाएगा जैसा वो अपने लिए बनाएगा। ना मटेरियल वैसा होगा, ना लेआउट वैसा होगा, ना हार्डवेयर वैसा होगा, कुछ भी वैसा नहीं होगा। बहुत तो बहुत सिंपल सी चीज़ हुई है, इसमें कुछ भी, मतलब मैंने बोला आज का लेसन कुछ कॉम्प्लिकेशन है ही नहीं उसमें, और मे भी कुछ ऐसा नहीं लगेगा कि वाह कुछ नया है, बट मैं उसे एक सीक्वेंस में डाल रहा हूँ ताकि जब अगली बार हम प्लान करें तो हमको वो प्लान का सीक्वेंस देना। एक इमेज है, इससे अलग भी हो सकती है, पर आई मीन टू से दैट सेम यूज़ केस हो सकता है। आपका लेआउट, आपको एक एरिया आ गया है कि इसमें किचन बनाना है, और अगर हमें नहीं पता है कि वो रेंटल है या पर्सनल है, तो हो सकता है कि उसका यूज़ केस ऐसा हो और आपने वैसा बना के दे दिया, हो सकता है कि उसका यूज़ केस वैसा हो और आपने ऐसा बना के दे दिया। क्योंकि रेंटल किचन बहुत मिनिमलिस्टिक किचन हो सकता है, या वीकेंड होम बहुत मिनिमलिस्टिक होम किचन हो सकता है, पर्सनल होम जो होगा वो बहुत डिटेल में होगा। ये बातें एज ए डिज़ाइनर आपको पता चलेगी, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये आपको एक इंटरेक्शन के बाद में पता ना चले, ये आपको पहले पता हो और फिर आपका पहला पिच जाए। इवेंचुअली तो पता चलने वाली है, आप पहले डिज़ाइन सबमिट करो कि कस्टमर का फीडबैक आएगा, अरे ये क्या बना दिया, मेरा तो ऐसा पर्पज़ ही नहीं था, थोड़ा मिनिमाइज़ करो, इतने कैबिनेट नहीं चाहिए, इतना कॉस्ट नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, होगा। बट क्या आपको ये हर बार मौका मिलता है या मिलेगा, ये क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि किसी ने आपसे ज़्यादा बेटर प्लानिंग करके इससे बेटर पिच पहले कर दिया होगा, और वो एक इंटरेक्शन स्टार्ट अगर हो गया हेल्दी वे में, और अगर आपके क्लाइंट को लग गया है कि ये डिज़ाइनर जो है इसने माइंड रीड कर लिया है, तो वो कंफर्ट लो जो जैसे ही कंफर्ट जनरेट हो जाता है, डिज़ाइन करना में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, डिज़ाइनर के साथ आपका कंफर्ट जनरेट हो गया। ये बहुत ही जनरल सी इट्स जनरल सेल्स की प्रैक्टिस है कि कस्टमर को कहीं भी कंफर्ट लगता है तो वो वहाँ पर उसका फोकस बढ़ जाता है। ये हमारा 6P का पहला P है कि हमें पता होना चाहिए कि पर्पज़ क्या है जिसके लिए हम ये प्रोडक्ट को डिज़ाइन, डेवलप या प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्या हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं? आर वी फीलिंग दिस इज़ यूजफुल इंफॉर्मेशन? मीन्स बिकॉज आई एम यूजिंग वेरी सिंपल वे ऑफ स्लाइड, आई एम यूजिंग वेरी simple language to interact, mix of Hindi English, so if any discomfort or anything you want to change, I can customize, because that is what I want to do at the end. I want you guys to do customize the thing as per the customer's requirement, being a supplier or being a designer. So are we going good? Second है important, सबसे important चीज़ है समझना कि जो place, स्पेस कह दो, प्लेस कह दो, थोड़ा इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी, मुझे पी राइट बिठाने थे, दैट्स व्हाई आई यूज़ द पी। तो आपको उस प्लेस की अंडरस्टैंडिंग कितनी है? जब आपको पर्पस पता चल जाए तो देन यू नीड टू अंडरस्टैंड द प्लेस ऑल्सो, दैट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच एंड एवरी वॉल, उसका एंगल, प्रोजेक्शन, ऑन्डुलेशन, प्लम्बिंग, प्री एग्जिस्टिंग उसका जो स्ट्रक्चर है उसको समझना। इसलिए साइड विजिट बहुत ज़रूरी है, इसलिए कभी भी इट इज़ अवेलेबल, नथिंग टू कीप, दिस इज नॉलेज फॉर शेयरिंग, नॉलेज। आप मत लीजिए, आप आराम से इसको एंजॉय कीजिए, बस नींद मत कीजिएगा, इसके अलावा नो नीड टू टेक द नोट्स, इट इज़ अवेलेबल। उसको फील करना होता है प्लेस को, जब हमें एक अच्छी किचन डिज़ाइन करनी होती है, और फील करने का एक ही तरीका है कि जितना पॉसिबल है उतने या तो साइट के रियल इमेजेस मंगाइए, अगर डिस्टेंस जो कि पोस्ट कोविड एक बहुत ही नॉर्मल सा टर्म हो गया है कि आप बैठे कहीं और काम कहीं करें, पॉसिबल है, कोई बात नहीं, बट थोड़ा सा रियल फील लीजिए। 2-3 वीडियो मंगाइए, 8-10 इमेजेस मंगाइए, वहाँ की उस प्लेस को अच्छे से, कितना अच्छे से आप समझ सकते हैं। लाइट वहाँ नेचुरल कैसी आ रही है, विंडो का प्लेसमेंट कैसा है, एंट्री कैसी है, उसका उसमें वॉल पे कितने प्रोजेक्शन आ रहे हैं, हाइट कितना है, फ्लोरिंग कैसी है, प्री एग्जिस्टिंग प्लम्बिंग के जो पॉइंट्स हैं या ऐसे पॉइंट्स हैं वो कैसे हैं। ये जब तक आप उस प्लेस को नहीं ढंग से देखेंगे इन एक्चुअल 3 डायमेंशन में भी और एक्चुअल एक्चुअल फोटोग्राफ के और फील्ड में विज़िट करने को मिल गई तो एकदम बेस्ट है, बहुत ही बढ़िया है। क्योंकि किचन जैसे सेंसिटिव जगह के लिए विज़िट करने को मिल जाए तो बहुत अच्छी जगह है, नहीं मिलता है तो कम से कम उसको वर्चुअली इस तरह से विज़िट कर ही लेना चाहिए कि आप एक बार उसका ऑल 360 डिग्री वीडियो मंगा लीजिए और कुछ फ़ोटोग्राफ मंगा लीजिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाएंगे जब आप उस किचन को डिज़ाइन करेंगे। नहीं तो ऐसा कई बार यूरेका मोमेंट होता है कि आपको पता चलता है कि आपने वॉल कैबिनेटरी बना रही है और उसके बीच में देन देयर इज़ ऑल ऑफ सडन सम विंडो अपीयर्स, या आपने कुछ लाइट का प्लानिंग ऐसा किया और फिर आपको पता चलता है कि आपने सोचा कि नेचुरल मिनिमलिस्टिक लाइट रखते हैं और देन पता चलता है कि किचन में कहीं बड़ा कोई विंडो या किचन में सोर्स ऑफ लाइट ही नहीं है, देन इट कैन बी अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। सो बेस्ट थिंग इज़ टू हैव अ ओवरऑल फीलिंग ऑफ द प्लेस, ताकि आप ये डिसीजन भी ले सकें कि व्हाट इज़ द टाइप ऑफ शेप इज़ गुड। जैसे कि यहाँ से पूरा प्रॉपर लाइट आ रहा है तो देन यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली, अगर वहाँ से विंडो का मैं अगर किचन में एंट्री आ रहा है तो यू कैन प्लान द आइलैंड अकॉर्डिंगली। तो इफ़ यू डोंट नो द स्पेस वेरी वेल यू विल एंड अप विथ अगेन अ रॉन्ग फर्स्ट पिच, and the purpose of this whole session is a right first pitch, maybe not the completely right design but right first pitch is very important so the engagement happens. मेरा purpose ये नहीं है कि मैं पहली बार मैं आपको ये बताऊं कि हम sales close, ये sales closer class नहीं है, ये है first engagement right। आपका आपके customer के साथ एक belief या एक trust build हो जाना चाहिए कि जो कुछ भी बना रहा है ये एज पर रिक्वायरमेंट बन रहा है, अब इसमें चेंजेस कर देंगे तो राइट हो जाएगा। इस पे बहुत सारी कंटेंट अवेलेबल है। ये जो तीसरा पी है जिसको हम बोलते हैं प्लेसमेंट, क्योंकि ये पूरी एक साइंस है, इस पे एर्गोनॉमिक की भी बहुत सारी बुक्स हैं और इट इज़ ए वेल एस्टेब्लिश्ड फैक्ट कि किचन के अंदर 3 इम्पॉर्टेंट प्लेसेस ऑफ एक्टिविटी है। 1 इज़ where you actually cook, 2nd is where you clean, and 3rd is with the modern era we get one of the main important gadget in the kitchen which is a refrigerator. Most of the time हम उसे फ्रीजिंग यूनिट और रेफ्रिजरेटर बोलते हैं, जो हर किचन में का मैंडेटरी पार्ट हो गया। तो ये 3 चीज़ों का लोकेशन अगर आपको पता हो, इनको हम जोन्स बोलते हैं, हॉट जोन, कोल्ड जोन, वेट जोन। ये जोन्स अगर आपको राइटली आइडेंटिफाई कर लिए अगर आपने तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आपके किचन के लेआउट में आपको करेक्ट प्लेसमेंट ऑफ हॉट, कोल्ड और जोन और वेट जोन का अगर आपको आइडिया नहीं है तो इसकी आपको एक बार प्रॉपर स्टडी करनी चाहिए। और वर्क ट्रायंगल करके आप अगर देखेंगे तो आपको इतना कंटेंट मिल जाएगा कि आप आसानी से समझ सकते हैं कि व्हाट इज़ अ वर्क ट्रायंगल। इसमें एक स्पेस और दूसरे स्पेस के बीच का डिस्टेंस, इसके बीच का एंगल, उसके बीच की एर्गोनॉमिक स्मूथनेस ऑफ मूवमेंट, एवरीथिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट? अगर आपने किचन बनाया है और अगर आपने कुकिंग और क्लीनिंग को अगर एडजॉइन कर दिया तो इट विल एंड अप विथ लॉट ऑफ डिस्कम्फर्ट वाइल यूजर्स, क्योंकि आप यूज़ करते समय यू विल सी कि इट कैन नॉट बी प्रैक्टिकल। आप ये प्रैक्टिकल है ही नहीं। आप अगर ऐसा कुछ किचन बना रहे हैं जिसमें पैरेलल है, अच्छा खासा है, लेकिन आपने कुकिंग के जस्ट पीछे की तरफ अगर क्लीनिंग बना रही है, नाउ डेज एवरीबडी हैज़ एन एक्सेस टू मेड्स और आई कैन से हेल्प, डोमेस्टिक हेल्प। main person may be, main user may be cooking, at the same time somebody might be, cleaning, some doing the dishes or something. There's high chance of, collide while working. Accident may happen. You're working with hot temperature, you're working with oil, you're working with something boiling, somebody is, they just collide with each other and things can happen. When you're designing, you need to take care of this safety point very seriously. जहाँ पर आपका ये प्लेसमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जब आप कुकिंग करते हैं तो आपके लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड में एक सफिशिएंट स्पेस आपको चाहिए, क्योंकि कुकिंग करते समय आप इधर और इधर के एरिया को एक्सेस करते हैं। आप में से कितने जने कुकिंग करते हैं? मतलब हाथ खड़े कर दो, कोई बात नहीं, मतलब करते हैं, आधे लोग तो कुकिंग करते हैं। तो कुकिंग करने में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है, वो नॉर्मली कंसिडर नहीं होता है, वो होता है कि बहुत सारी पॉपुलेशन जो है वो लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड का भी मतलब कुकिंग हैबिट डिफरेंट होता है। मतलब आप कोई लेफ़्ट हैंड से काम कर रहा है, कोई राइट हैंड से काम कर रहा है। आप हमेशा कंसिडर नहीं कर सकते कि एक साइड में जगह छुटी हुई तो इनफ है। लेकिन आप ये सोचिए कि अगर आपने अपने यूज़र को पूछा है कि आपका लेफ़्ट हैंड प्रेफरेंस है या राइट हैंड प्रेफरेंस है, तो वो कितना इम्पॉर्टेंट कनेक्ट करेगा, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यू कैन आस्क। एटलीस्ट जब आपके पास कम स्पेस है तो यू कैन आस्क कि हु इज़ द मेजर यूज़र। मतलब मेरे पास इसका एक लिस्टिंग भी बनाया हुआ है, बुक्स भी है, आप चाहें तो बुक्स भी देख सकते हैं विच इज़ पब्लिश। हम उस लिस्ट का पार्ट करते हैं, इस तरह की क्वेश्चंस पूछते हैं कि घर में जो कुकिंग कर रहा है वो मेजर प्राइमरी यूज़र है, उसमें या लेफ़्ट हैंड राइट हैंड का कोई प्रेफरेंस है क्या। ये क्वेश्चन बहुत इंट्रीगिंग है। मतलब ये जब यूज़र इस क्वेश्चन को पढ़ता है तो होता कुछ नहीं होता, लेकिन उसको ये ज़रूर लगता है कि वाह, ये क्वेश्चन किसने पूछा कि लेफ़्ट हैंड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या राइट यूज़र। तो आपको कुछ ऐसी चीज़ों को भी ध्यान रखना है प्लेसमेंट करते समय। और सिंक का साइज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके भी अगेन लेफ़्ट एंड राइट साइड में स्पेस का बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्टेंस बिटवीन कुकिंग एंड क्लीनिंग, अगर आपके पास सफिशिएंट साइज़ है किचन का, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप उसको एडजॉइन नहीं कर सकते, पास में नहीं कर सकते, बहुत दूर भी नहीं कर सकते। बहुत दूर इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि कुकिंग करने के प्रोसेस में बहुत सारी चीज़ें सीधी उठ करके कई सारे पैंस जो हैं वो सीधे सिंक में जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपको कटिंग चॉपिंग करने के बाद कुछ चीज़ें सीधी कुकिंग के यहाँ तक लेके आनी होती है। तो ऐसा भी नहीं कि बहुत बड़ा एल शेप है तो उसके एक एंड में सिंक है और एक एंड में कुकिंग है। दिस इज़ ऑल्सो नॉट एन आइडियल। डिज़ाइन करने के लिए अच्छा दिखेगा लेकिन प्रैक्टिकली नहीं होगा। तो मैंने किसी एक एग्जाम्पल में अपनी बुक में ये भी बता रखा है कि अगर आप कुकिंग और क्लीनिंग के बीच का डिस्टेंस राइटली नहीं करते हैं तो somebody will end up with extra walking in the kitchen with the distance equivalent to from Mumbai to Delhi in 10 years. You walk in your kitchen extra, अगर आपने उसको राइटली प्लान नहीं किया तो। सो इतना आप यूज़र को स्ट्रेस एक्स्ट्रा दे सकते हैं अगर आप प्लान राइट नहीं कर रहे हैं तो। एंड देन द प्लेसमेंट ऑफ द रेफ्रिजरेटर, मोस्टली हमने देखा है कि सब लोग रेफ्रिजरेटर का प्लेसमेंट सही करते हैं, जो कि कुकिंग के एंट्री के समवेयर नियर होना चाहिए। वो भी लॉजिकली है, ऐसा नहीं कि क्योंकि वहीं होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? उसका लॉजिक ये है कि मोस्टली रेफ्रिजरेटर एक ऐसा न्यूट्रल पॉइंट है जिसको यूज़र ऑफ द किचन भी यूज़ करता है, लेकिन एट द सेम टाइम जो नॉन यूज़र ऑफ द किचन होता है, यानी कि फैमिली के दूसरे मेंबर होते हैं, वो भी एक्टिवली यूज़ करते हैं। किसी बच्चे को स्कूल से आते ही पानी का बॉटल लेना है तो भाग के किचन में जाएगा, रेफ्रिजरेटर से निकालेगा, बाहर रख देगा। कोई आपका फैमिली मेंबर कोई मार्केट में जा कर के कुछ फ्रूट्स लेके आया है तो हो सकता है कि वो पहली बार में जा कर के रेफ्रिजरेटर में रख देगा। या कुकिंग करते समय आपको कोई चीज़ पड़ी तो आपने रेफ्रिजरेटर में यूज़ किया। तो रेफ्रिजरेटर को एक ऐसी जगह प्लान करना चाहिए कि वो एक ऐसी पोजीशन पर रहे कि उसके लिए किचन के अंदर तक ट्रैवल नहीं करना पड़े। किचन से घुसते ही कहीं मिल जाए लेफ़्ट एंड राइट साइड में, तो उसके लिए ये कॉमन यूज़ जो है ये पर्पज़ सॉल्व हो जाता है। यानी कि नॉन कुकिंग, नॉन एक्टिव यूज़र और एक्टिव यूज़र दोनों रेफ्रिजरेटर को यूज़ करें बिना किसी कोलाइड की पॉसिबिलिटी की। किसी भी यूज़ केस को ऐसे थोड़ा हाइपर में ही समझना बेटर रहता है कि आप समझिए कि आपको रेफ्रिजरेटर का यूज़ आपको नहीं करना है और आप कुछ कुकिंग कर रहे हैं और घर का कोई एक मेंबर या छोटा बच्चा भागता हुआ घर में किचन में आ रहा है और आप रेफ्रिजरेटर के लिए पहुंचने के लिए उसे कुकिंग एरिया के पीछे से ही होके जाना है क्योंकि रेफ्रिजरेटर वहाँ रखा है। और आप अगर कुछ एक्टिव कुकिंग कर रहे हैं या आप कुछ पका रहे हैं और देयर हाई चांसेस कि कुछ हो या कम से कम डिस्टर्बेंस होगा। ठीक है, तो ये रही इम्पोर्टेंस कि हम हमारे 3 एक्टिव जोन्स जो होते हैं उनको राइटली प्लेस करें जब किचन का डिज़ाइन करें। सबसे इम्पॉर्टेंट है ये यूज़र, यानी कि किचन को जो यूज़ कर रहा है, या किचन को वहाँ भी वो आ गया एक्टिव यूज़र और नॉन एक्टिव यूज़र। तो यहाँ से आपका डिज़ाइन का पार्ट स्टार्ट होता है, क्योंकि यहाँ पर फैमिली के लोगों की राय भी आने लग जाती है और उसके साथ साथ आपका जो यूज़र है उसकी राय भी आने लग जाती है। तो जो यूज़र है उसकी राय आने लग जाती है, यानी कि आपको जो एक्टिवली पता होना चाहिए कि इस किचन को किस तरह के लोग यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि अगर आपको ये नहीं पता है कि किचन को यूज़ करने वाले के हाइट एवरेज हाइट से कम है, और अगर आपने वॉल कैबिनेट्स बड़े डिज़ाइन कर दिए बिना जाने हुए, तो आपको एट द एंड प्रॉब्लम होगी, यूज़र को प्रॉब्लम होगी। और वो प्रॉब्लम एक बार होगी तो फिर वो कंटिन्यूस लाइफ टाइम है, क्योंकि ये शूज़ की तरह नहीं है कि अगला ऑर्डर करते समय साइज़ का थोड़ा ध्यान रख देंगे। लोग ज़्यादा नहीं बनाते किचन, लाइफ टाइम में 2 बार बनाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, 1 बार बनाएंगे 2 बार बनाएंगे। सो यू कैन नॉट प्लान लाइक दिस। कोई अगर स्पेशल नीड वाला पर्सन है और अगर आपने उसको डिज़ाइन करते समय आपने उसकी स्पेशल नीड को ध्यान नहीं रखा तो आपका डिज़ाइनिंग एरर हो जाएगा। हो सकता है यूज़र को इग्नोरेंस और एक्साइटमेंट में ऑफ गेटिंग न्यू थिंग उस समय वो बात ध्यान नहीं हो, लेकिन जब आप डिलीवर कर देंगे और उसको डे टू डे प्रॉब्लम आनी चालू हो जाएगी, तो शुरुआती के दिनों में हो सकता है कि उसे बिकॉज ऑफ इट्स अ न्यू प्रोडक्ट उसे अच्छा लगे, बट एक बार जब प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है और रेकरिंग बार बार प्रॉब्लम आती है तो फिर वो बहुत ही परेशानी वाली जगह बन जाती है। तो आप ऐसा अवॉइड करें। उसके लिए आप ज़रूर ये करें कि आप जो यूज़र्स हैं उसका पर्सोना बनाएं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी और बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है कि कैसे यूज़र का पर्सोना डेवलप करते हैं, कैसे हम उससे ऐसे पर्सनलाइज क्वेश्चन पूछते हैं, कैसे हम उनके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं, कैसे हम फैमिली की साइज़ के बारे में पूछते हैं, क्या न्यूक्लियर फैमिली है, क्या एक्स्ट्रा सपोर्ट सिस्टम आएगा, क्या घर के मेंबर ही किचन यूज़ करेंगे या बाहर से कोई महाराजा कुक करने वाला बाहर का मेंबर आके कुक करेगा, घर में एक साथ 2 लोग कुक करेंगे, नेक्स्ट जनरेशन और न्यू जनरेशन क्या साथ में, प्रीवियस जनरेशन और न्यू जनरेशन साथ में कुक करेगी क्या ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है क्या कि शायद सुबह यूज़र काम कर रहा है लेकिन शाम को वो पका हुआ फूडी जो शाम को गर्म करके खा रहा है। ये सब चीज़ें हमें तब पता चलेगी जब हम उन लोगों के बारे में जानेंगे जो यूज़र हैं और जो उस फैमिली के मेम्बर हैं, केवल यूज़र ही नहीं। घर में छोटे बच्चे हैं क्या, क्रॉल करने वाले बच्चे हैं, भागा दौड़ी करने वाले बच्चे हैं, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे हैं, या घर में खाना ही नहीं खाने वाले बच्चे हैं। तो ये हमें पता होगा, उसके अकॉर्डिंग हम अपनी ऑफरिंग बनाएंगे। उसके अकॉर्डिंग हमें बाद में बहुत सारी चीज़ें डिज़ाइन करनी पड़ेगी और वो सारा डेटा बहुत ज़्यादा काम आता है। इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि आप यूज़र्स के बारे में कितना जानते हैं। ये एक रिप्रेजेंटेशन इमेज है केवल समझाने के लिए कि एक सिंगल यूज़र जब होता है किचन का, वो बहुत ही अलग ढंग से किचन को यूज़ करता है। जैसे अगर मुझे अपने वीकेंड में मैं अगर अकेला घर पे हूँ तो मुझे किचन यूज़ करते समय बिल्कुल अलग तरह का माहौल चाहिए। शायद हो सकता है किचन में ही कहीं म्यूज़िक भी बज रहा हो, मैं आराम से काम करूँगा, शायद मैं कुकिंग को एंजॉय करूँगा अगर मैं सिंगल यूज़र हूँ तो। लेकिन अगर मुझे पता है कि फैमिली है मेरी ऐसी तरह की जिसमें बच्चों का इन्वॉल्वमेंट है, मैं चाहता हूँ इंटरेक्टिव कुकिंग हो, मैं चाहता हूँ कि लोग साथ में बैठ के बात करते हुए कुकिंग करें। अगर हमारा स्ट्रक्चर फैमिली का इस तरह है कि सब जने कंबाइन होकर के यानी इन्वॉल्व हो जाते हैं अगर कुकिंग में, और ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपने देखा होगा कोई बैठ करके प्याज काट रहा है, कोई धनिया साफ़ कर रहा है बैठ करके साइड के टेबल पर, कोई कुक कर रहा है, ये सब प्रैक्टिकल सिचुएशंस है। अगर आप कुकिंग नहीं करते हैं तो आपको सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन अगर आप कुकिंग करते हैं तो ये सब होता है। किचन में ये सब चीज़ें होती है। किसी के घर में नहीं होता है तो नहीं होता है, वहाँ बहुत प्योरली किचन का दरवाज़ा केवल डोमेस्टिक हेल्प के लिए खुलता है। आते हैं, कुकिंग करते हैं, चले जाते हैं। तो भी किचन डिज़ाइन करते समय बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अगर आपको पहले ही किसी यूज़र ने बोल दिया कि दिस किचन इज़ मेरा, तो मैं तो बहुत एक्टिवली बिजनेस में या अपने काम में इन्वॉल्व हूँ। हमारे मोस्टली किचन के अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा नहीं रहेगा, तो हम क्या करेंगे, ये मैं वन ऑफ द एग्जांपल दे रहा हूँ। क्या करेंगे हम ये देखेंगे कि उस किचन में डिज़ाइन और यू नो एस्थेटिक मटेरियल और इस सब में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना कराएं कस्टमर का। उस किचन को थोड़ा सा रोबोस्ट बनाएं, ज़्यादा प्रैक्टिकल बनाएं उस किचन को, क्योंकि उसे थर्ड पार्टी यूज़ करने वाली। थर्ड पार्टी कौन होती है? थर्ड पार्टी मतलब जो फैमिली का मेम्बर नहीं है, जो किचन को किचन की तरह यूज़ नहीं करने वाला, वो उसे एज ए इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने वाला है। तो पता नहीं ना कि वो उस हिंजेस को कैसे बैंग करेगा, क्योंकि आज आप वो है, कल कोई और रखोगे, परसों कोई और रखोगे। एवरीबडी इट्स लाइक ए कार। आपने अब कई बार सुना होगा कि ये तो सिंगल हैंडेड ड्रिवन कार है, इसलिए इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, क्योंकि इसको ज़िंदगी भर एक ही आदमी ने एक ही स्टाइल से चलाया है, तो सारा कुछ कार वैसा ही डिज़ाइन सेट है। और मतलब लेकिन अगर वही कार को आपने कई सारे लोगों ने ड्राइव कर रखी है, तो शायद कार के कल पुर्जे जल्दी ख़राब होने के चांसेस हैं। तो ये भी वही कॉन्सेप्ट है कि अगर किचन को किस तरह के यूज़र के लिए डिज़ाइन किया है, अगर आपको पहले पता चल जाए तो आपका किचन शायद परफॉर्म भी अच्छा करेगा, और कुछ नहीं तो कम से कम उसके यहाँ अंदर का प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट बेटर रहेगा, क्योंकि आपने यूज़र डिफाइन कर रखा है उसको। तो हमें यूज़र के बारे में पता होना चाहिए। ओके, तो हमें इसको थोड़ा क्विक करना है। यस, सेकेंड लास्ट पॉइंट पे हम रहते हैं, प्रैक्टिसेस। यूज़र के बाद हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आता है, वो आता है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का मतलब क्या हुआ कि ये एक ऐसी चीज़ है जो हमें कम से कम एज ए किचन को डिज़ाइन करते समय बहुत ज़्यादा क्लियरिटी होनी चाहिए। एक एग्जांपल से इसको कंक्लूड करता हूँ मैं, इस प्रैक्टिस को, क्योंकि ऐसे कई एग्जांपल है, लेकिन एक एग्जांपल देता हूँ कि स्टोरेज बाइंग हैबिट कैसी। अगर कोई फैमिली ट्रेडिशनली ईयरली ग्रॉसरी को बनाती है, यानी कि चावल लेकर के रखना, अगले साल के चावल आगे यूज़ करना, दाल को लेना, उसे क्लीन करना, ऑयलिंग करके स्टोर करना, इवन इमली तक ऐसे लेकर खरीद के रखी जाती है। एक दूसरी फैमिली टाइप है जो हर सप्ताह जाकर के ग्रॉसरी स्टोर से पैकेट ऑर्डर करते हैं और कंज्यूम करते हैं। उनके यहाँ आटा भी आधा किलो के पैक में आता है। अब सालाना रखने वाले लोग और हर 15 दिन में आधा किलो आटा वाले लोगों का किचन का डिज़ाइन और स्टोरेज बिल्कुल डिफरेंट होगा, बिल्कुल अलग तरह से डिज़ाइन होगा वो। तो आपको ये बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि किचन में होने वाली, ये मैं केवल एक बाइंग प्रैक्टिस बात कर रहा हूँ, ऐसी क्लीनिंग प्रैक्टिस, ऐसी बहुत सारी ईटिंग हैबिट्स से लेकर बहुत हैबिट्स हैं और प्रैक्टिसेस हैं जो हमें पता होनी चाहिए जब हम डिज़ाइन करते हैं किचन को। ये कुछ एग्जाम्पल हैं। कोई फैमिली में कुकिंग बेकिंग हैवी होती है, कोई फैमिली में कुकिंग ऑयली प्रैक्टिस। आप किसी ऐसी फैमिली में जाइए जिनको कोस्टल एरिया में जिनको फिशेस और सी फूड बनाने का बहुत वो है, मन है, तो उनकी कुकिंग में आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उनके कुकिंग में आपको एग्जॉस्ट सिस्टम के ऊपर बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि नहीं तो वो पूरा जो एरोमेटिक फूड है उसका एरोमा पूरा 3 BHK में घूमेगा गोल गोल, अगर आपने राइटली एग्जॉस्ट नहीं प्लान किया। यही अगर आप ये कुछ चीज़ें हैं जिनको मैं प्रैक्टिसेस बोल रहा हूँ। मतलब सिलेक्शन ऑफ चिमनी इज़ एक्चुअली अ पार्ट ऑफ यू नो फंडामेंटल डिज़ाइन एंड यूज़र पर्सोना मैपिंग, कि कितना हैवी चिमनी एग्जॉस्ट यूज़ करना है आपको। और आई नो कि कितने टर्न और ये सब वो साइंटिफिक है, बट ये क्वेश्चन कि आपका कुकिंग स्टाइल क्या है अगर पता हो, तब आप अप्लायंसेस को भी राइट डिज़ाइन कर सकते हैं, प्लेसमेंट को भी राइट डिज़ाइन कर सकते हैं। ये सब चीज़ों को मिला के फाइनली आता है एस्थेटिक, कि मुझे कलर कैसा पसंद है, ब्राइट कलर चाहिए मुझे, यू नो जैजी किचन चाहिए मुझे, शो करने के लिए किचन चाहिए मुझे, बहुत ही काम किचन चाहिए मुझे, एकदम मतलब क्लीन लुक वाला किचन चाहिए। ये पर्सनलाइजेशन है, ये हम कस्टमर से चॉइस पूछते हैं। जैसे जूते की साइज़ के बाद में कलर देखा जाता है, कलर पहले पसंद करके फिर ज़रूरी नहीं है कि इस आपको ये एग्जैक्टली 7 नंबर में, तो आप पूछते हैं कि मेरा 7 नंबर है, अब इसमें क्या क्या कलर अवेलेबल हो बताओ। यही है, आपने पहले के 5P करने के बाद देन यू नीड टू गिव दिस चॉइस टू कस्टमर, कि अब आप अपना कलर प्रेफरेंस बताइए। हमारी डिज़ाइनिंग में फंडामेंटल एरर क्या हो जाती है कि हम शुरू में स्टार्ट करते हैं कौन सा मटेरियल चाहिए, कौन सा लैमिनेट चाहिए, कौन सा हैंडल चाहिए, कौन सा कलर चाहिए। ये सब चीज़ें तो सबसे लास्ट में पूछने की है, उससे पहले सारा कुछ तय हो जाने के बाद इट्स जस्ट लाइक अ वेरी वेरी पर्सनलाइज टू दैट फैमिली और दैट यूज़र, कि आपको ये सब चीज़ें क्या चाहिए। उस सब से आप जो बजट ड्राइव करेंगे, उस सब से जो आप आउटपुट डिराइव करेंगे, मैं आपको एश्योर कर सकता हूँ कि आपका सबसे पहला पिच जो बन के निकलेगा वो बहुत ही यू नो देयर हाई चांसेस कि आपका वो पिच जो है वो एक्सेप्ट हो जाए। ये मैं पर्सनलाइजेशन के नेक्स्ट, क्योंकि हमें टाइम परमिट नहीं कर रहा है बिकॉज दिस चैप्टर कैन, दिस क्लास कैन गो फॉर 3 hours ऑल्सो एंड on day also, but there are some more special needs, so you need to take care if there are something which comes as a part of the personalization. This is a combination of all this 6P which we are talking about. These are the sequential process. Whenever you try to make a product or design a product, specifically kitchen, this, although those फार्मूलाज इज अप्लाइड फॉर एनी स्पेस प्लानिंग, बट आप उसका पर्पस, प्लेस, प्लेसमेंट, उन लोगों के बारे में, उनकी प्रैक्टिसेस और फाइनली उन सब की चॉइसेस, टेस्ट के हिसाब से किचन को डिज़ाइन करेंगे तो यू विल एंड अप विद अ वेरी गुड एंड वेरी सक्सेसफुल पिचेबल डिज़ाइन एंड प्लेस। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इट वाज अ शॉर्ट बट आई थिंक इट वाज अ यूजफुल क्लास। थैंक यू। कोई अगर क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, अगर ज्ञानेंद्र परमिशन दे, या प्लीज़, बिकॉज यहाँ मैंने Q&A लिख दिया है। इफ एनी डाउट, ये सारा नॉलेज और इन्फॉर्मेशन इस तरह की बुक्स में स्टोर किया हुआ है। ये बुक्स आप चाहें तो यू कैन टेक दिस बुक्स। ये अमेज़न पर भी हैं, अमेज़न पे, लेकिन अगर आपको पढ़ने और किसी को देने के लिए चाहिए तो प्लीज़ पिंग मी। आई विल शेयर द कोड विच विल नॉट यू नो फोर्स यू टू पे द एक्स्ट्रा अमेज़न phase. So I'll share on the print table whatever the printing cost I have. I want these books to circulate amongst the students. I think that's it. Thank you.